हेलो एवरीवन, सो टुडेज टॉपिक इज ब्लड। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी का, जो बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। एंड इसके अंदर 45% ब्लड के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। तो ब्लड के अंदर सेल्स 45% एंड प्लाज्मा 55% प्रेजेंट होता है। और ब्लड टोटल हमारी बॉडी में 5 to 6 लीटर होता है। इसका पीएच 7.35 से लेकर 7.45 होता है पीएच इसका। और इसका नेचर थोड़ा स्लाइटली एल्कलाइन होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.050 से लेकर 1.060 होती है। अब प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और सेल्स बताया अभी मैंने, सेल्स और प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा कंटेन करके रखता है 90 से लेकर 92% वाटर। प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर प्रेजेंट होता है और ये कंटेन करके रखता है कुछ प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, ये मेनली लिवर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। और जो एल्ब्यूमिन होता है वो मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को हमारी बॉडी में। और ग्लोबुलिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून सिस्टम का हमारी बॉडी में। और फिब्रिनोजन जो है वो लिवर में ही बनता है और ये हेल्प करता है कोएगुलेशन में, कोएगुलेशन क्लॉटिंग करने में ये हेल्प करता है। और ग्लोबुलिन लिवर में बनता है और लिम्फॉइड टिश्यूज में बनता है। आपको सेलुलर एलिमेंट्स है ब्लड के। सो ब्लड के अंदर इरिथ्रोसाइट्स मीन्स एलिमेंट्स पढ़ेंगे हम, सेल्युलर एलिमेंट्स, सेल्स। तो आरबीसीज होते हैं और डब्ल्यूबीसीज होते हैं। मेनली तो आप लोगों ने सुना ही होगा आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज। अब डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, आरबीसीज को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स के भी कुछ इसके ल्यूकोसाइट्स के अंदर न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स आते हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं आरबीसीज, इरिथ्रोसाइट्स। इसके डायमीटर, एवरेज साइज, डायमीटर होता है एवरेज साइज 7 माइक्रोन होता है। और ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। आरबीसीज का यही काम है ऑक्सीजन को कैरी करना और पूरी बॉडी तक पहुंचाना। और ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज में आते हैं, ये न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, बेसोफिल और लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल का डायमीटर जो होता है 10 टू 14 माइक्रोन होता है और ये इंगल्फ कर जाता है सारे बैक्टीरियाज को, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस एग्जांपल है इसका, फेगोसाइटोसिस। इंगल्फ करना मीन्स खा लेना बोल सकते हैं इसको, अपने अंदर ले लेता है, इंगल्फ कर लेता है इन्फेक्शस बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में। जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शस एंटर होगा बॉडी में तो न्यूट्रोफिल उसको इंगल्फ कर देगा। इजनोफिल, इजनोफिल का साइज 12 से 17 माइक्रोन होता है और ये फाइट करता है अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासाइटिक इन्फेस्टेशंस। एलर्जिक रिएक्शन जैसे हमारी बॉडी में कोई एलर्जी रिएक्शन हुआ तो उससे फाइट करेगा, उसके अगेंस्ट फाइट करेगा इजनोफिल सेल्स। और बेसोफिल का साइज 10 टू 14 माइक्रोन होता है, ये हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ हेपारिन एंड हिस्टामिन, हमारी बॉडी में हेपारिन और हिस्टामिन बनाने में ये हेल्प करता है। लिम्फोसाइट का साइज 7 टू 10 माइक्रोन होता है, इम्यून सिस्टम प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है, मीन्स एंटीबॉडीज को बनाता है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट इसका साइज 15 टू 18 माइक्रोन होता है, इंगल्फ करता है क्रॉनिक टाइप ऑफ इन्फेक्शियस बैक्टीरिया, एग्जाम्पल सेल्मोनेला, टाइफी, एक्टिन, द मैक्रोफेज कंपार्टमेंट। इसका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट साइज होता है 15 टू 18 माइक्रोन और ये इंगल्फ करता है क्रॉनिक टाइप के इन्फेक्शियस बैक्टीरिया को। लास्ट वन इज थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, मतलब प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इनका साइज 1 से 4 माइक्रोन होता है, ये पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग ब्लीडिंग। जब ब्लीडिंग होती है, कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उसको रोकने के लिए, उसको कोएगुलेट करने के लिए प्लेटलेट्स ही वर्क करती है, थ्रोम्बोसाइट्स ही वर्क करते हैं।